मैं अभी भाई साहब लाहौर हाल रोड पे घूम रहा हूँ, राश चेक करें आप कितना है। फजान कह रहा है कि मुझे परोठे चाहिए, कीमे वाले परोठे मिलते हैं भाई साहब यहाँ से। परोठे खाएगा ना? नहीं। आप मुकर गया यार, मुझे सर्दी में ऐसे मारा है तूने। हाँ वो शोरमा टाइप ही होता है, वो शोरमा टाइप ही होता है भाई साहब। ये तेरा वही बन रहा है, तो वो क्या कहते हैं उसको, शोरमा बन रहा है तेरा। ये परोठा नुमा शोरमा होता है पता है। एक बन गया, अब दूसरा बन रहा है। मैं इसमें चिकन डाल के, वाइट चटनी डाल के ऐसे ऐसा करके शोरमे की तरह बना देते हैं। मुँह में पानी आ रहा है। मास्टर बिरयानी के नाम से भाई साहब ये होटल मशहूर है। साथ में भाई साहब नान भी बन रहे हैं, परोठा है और भी चीज़ें बना रहे हैं। आ जा, खुश है आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। लाहौर की भाई साहब ये जो लाइटिंग है ना, मुझे बड़ी पसंद है। हर साइड पे जो है ना भाई साहब, जगमग 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 हो रही है। क्या बात है माशाल्लाह। ये भाई साहब अभी नहीं या घंटे तक नहीं, ये सारी रात जो है ना ऐसे ही रहेगी। लाहौर सारी रात जागता है भाई साहब, इसलिए भाई साहब कहा जाता है कि लाहौर लाहौर है। के परोठों की वजह से भाई साहब मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया। मेरा जो होटल है ना भाई साहब, वो हल्का हल्का नजर आ रहा है, इंडस होटल। किच किच, आराम से जाना, गिरना नहीं है। हेलो, नंगा काका, नंगा काका। बोतल अभी यार उसको बुलाया है, वो क्या नाम है, लड़का नहीं आता सर्विस के लिए। उसने कहा 250 की आपको 1.5 लीटर बोतल मिलेगी, 250 रुपए की। अंदर गर्मी है यार, बाहर तो ठंड है। पंखा चला चलाए हल्का हल्का? नहीं। क्यों? मैं बच्चे बीमार हो। ओ नहीं यार, अच्छा परोठे दो ना यार। वो सारी तैयारी आपकी कर भी दी है? हाँ टाइम से निकलेंगे तो यार, टाइम से मुल्तान भाई साहब यहाँ से तकरीबन कोई 350 ऐसे ही। अगर हम यहाँ से टाइम से निकले टाइम से पहुँच जाएंगे भाई साहब, अगर लेट निकले तो फिर लेट पहुँचेंगे, फिर सर्दी हो जाती है ना। एक मुझे दो चटनी लगाना जरूरी है बेगम। या मैंने तो नहीं लगाई थी ऐसे ऐसे ही। मजा है। मज़ा है वाकई भाई साहब, बड़ा मज़ा है। परोठा खा के भाई साहब मुझे गर्मी लगी है, मैंने पंखा चला दिया अंदर। वो भाई साहब आप सामने मशीन देख रहे हैं, वो सर्दियों को गर्म और गर्मियों को ठंडा होता है यार, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। अभी वो चलाया था ना तो अंदर गर्मी हो गई है बड़ी, इसको बंद करना पड़ा, फिर पंखा चलाना पड़ा, फिर से बोल रहे हैं। ज्यादा लोग हैं, उकड़े सुकड़े जो है ना हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब ठोक के रखो, थोड़ी मेहरबानी। जल्दी जल्दी यार थोड़ा जा सारे चैनल को फेमस करो। अभी सोते हैं भाई साहब, सुबह उठना है क्योंकि सुबह जो है ना टाइम से निकलना है, तो सुबह बात होती है इंशाल्लाह आपसे। गुड मॉर्निंग भाई साहब, सुबह हो चुकी है, अजान तैयार, मान अली तैयार और मैं खुद तैयार और उनकी मम्मा तैयार, सामान पैक, घर की तैयारी भाई सब हो चुकी है। काफ़ी दिन ही हो गए हैं घर नहीं थे तो बड़ा मिस कर रहे हैं घर। 8 दिन हो जाए और यार मानो ये मेरा GoPro है, ये उसके ऊपर ना ये वाली जो चाबी है ना भाई साहब वो मार है, लेंस तोड़ने लगा था अभी। इसको फिल वक्त जो है ना भाई साहब इधर पॉकेट में ही रखूंगा क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नहीं है। अभी चल सो चल, अभी रास्ते में कुछ खास वीडियो तो बनानी नहीं है। तो इसकी वो चार्जिंग वाला किधर है यार, इसकी बैटरी है किधर है, सारा सामान जो है ना यहाँ से क्लोज कर लो। हाँ ये है बैटरी और भाई साहब GoPro, थोड़े बहुत जरूरत आएंगे इसलिए मैं इस खीसे में डाल रहा हूँ इनको। इसको इस खीसे में डाल दिया, इसको इस खीसे में डाल दिया, खीसा समझते हैं ना भाई साहब, पॉकेट में। ठीक है बॉस, बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा यकीन करें। शुक्रिया, थैंक यू। ऊपर विजिट करते लेकिन अभी जो है ना मैं टाइम कम है,
देखना है? नहीं अभी टाइम कम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी आए ना आपके पास तो यहाँ जरूर विजिट करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। मुझे दे दे। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया भैया, मैं दूसरा बैग उठा लूँ। ये जो लड़का है ना भाई साहब, इसे होटल में काम करता है, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है, लेकिन भाई साहब हमारा जो फ्लोर था ना वो नीचे था, इसलिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट लगा हुआ था भाई साहब, लीजिए भाई साहब 6 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुँचे अपने गांव में। जाना वैसे मैंने मुल्तान था, तो अम्मी की कॉल आई कि मुझे मिलते जाओ, उनकी तबीयत ख़राब है भाई साहब। अम्मी का घर जो है भाई साहब मेरे घर से तकरीबन कोई 100 किलोमीटर दूर हो जाता है। रास्ता देख रहे हैं भाई साहब आप, फुल ऑफ रोड आ चुका है। इन रास्तों पर भाई साहब मेरा बचपन गुजरा है, मैं यहीं से स्कूल पढ़ने जाता था भाई। यहाँ से थोड़ी दूर है भाई साहब कुतुबपुर सिटी। अभी मैं कुतुबपुर सिटी से भाई साहब गुजर के आया हूँ, इस साइड पे भाई साहब कुतुबपुर सिटी है जहाँ हम स्कूल पढ़ने जाते थे। हम वहाँ से निकले थे भाई साहब 8:30 बजे, तो अभी टाइम हो गया 3:15 का। मोटा मोटा हिसाब लगाऊँ तो 6 घंटे में, 6:15 घंटे में हम इधर आ गए। थोड़ा सा टाइम भाई साहब अम्मी के पास गुजारूँगा, पीछे जोया है, समीउल है भाई साहब, वो भी वेट कर रहे हैं। हमारा विलेज तो भाई साहब बड़ा खूबसूरत हो गया, और साइड पे ग्रीनरी ग्रीनरी, और बीच में जो है भाई सब सड़क जा रही है, माशाल्लाह अमेजिंग व्यू है। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओए सदके ओ सदके। आज भाई साहब मैं अपनी अम्मी से तकरीबन कोई 3 महीने बाद मिल रहा हूँ, और मेरी अम्मी बीमार हुई पड़ी है। ओ सदके ओ सदके ओ सदके। मेरे अम्मी अब्बू ने भाई साहब छुट्टियाँ कितनी इकट्ठी की हुई हैं। ये भाई साहब जलाने के लिए लकड़ियाँ होती हैं, कपास की क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं छुट्टियाँ, आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं। हाथों में भाई साहब गैस तो होता नहीं है, तो इस वजह से जो है ना इससे गुजारा चलाते हैं। ये हमारी भाई साहब मस्जिद है, ये जो चक देख रहे हैं, इस चक में जो है ना भाई साहब तकरीबन कोई 400 से 500 घर है। सारे जो है भाई साहब हमारे आवान है, अपनी बिरादरी बैठी, एक चक ये हो जाता है, एक चक जो है यहाँ से 1 किलोमीटर जो है वो दूर है, 51 चक। और मान अली साहब भाई साहब जहाँ भी मट्टी देखते है ना, तो जनाब की हालात जो है ना वो खराब हो जाती है। ये देखो मानो अब घर नहीं जाना, सूरज देख रहे हैं भाई साहब यहाँ पहुँच चुका है। और अभी जो है भाई साहब मुझे यहाँ से मुल्तान जाते हुए तकरीबन 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा जो है ना मुझे और बाइक चलाना पड़ेगी। तो अभी भाई साहब यहाँ से निकल रहे हैं, अम्मी अबू से जो है ना दोबारा मिलते हैं, क्योंकि ठंड होगी भाई साहब, तो आपको पता है ठंड में बाइक चलाना बहुत मुश्किल है। 3 महीने बाद भाई साहब अम्मी से मिला, तो अम्मी कहती है ना जाओ आज रात जो है ना मेरे पास आओ। भाई साहब मेरा घर जो है ना अम्मी से दूर हो जाता है, तो कॉल वगैरह तो रोज करता रहता हूँ, हर दूसरे दिन बाद या तीसरे दिन बाद, लेकिन भाई साहब यहाँ आना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अजान जो है स्कूल पढ़ रहे हैं। जैसे मेरा घर है तो भाई सब घर जो है अकेला हो जाता है, मेरे घर में कोई बड़ा तो है नहीं मेरे अलावा, बेगम है, फिर अगर मैं यहाँ हूँ तो वो वहाँ अकेली रहती नहीं है, क्योंकि घर अकेला होता है, घर भी बड़ा सारा भाई सब, वो कहती है मुझे डर लगता है, इसलिए मुझे जो है ना यहाँ पर आते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। और अम्मी अबू जो है
परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि यार तू इतना अरसा हो गया आया नहीं हमारे घर। इसलिए भाई साहब मैं लाहौर से चलो सीधा जो है ना इनके पास आया हूँ। ठीक है, मैं जैसे मोड़ता हूँ ना बाइक अपनी तो हॉर्न बजने लग जाता है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना मेरे सामने बैग पड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है वो घंटी पे लगता है जाके बैग, तो हॉर्न बजने लग जाता है। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ भाई साहब कि आगे वाले पीछे मुड़ के देखने लग गए, फिर उन्हें इशारा करना पड़ता भाई साहब आगे बैग रखा हुआ है, इसलिए ये घंटी बजती है। वो बंद हो जा अल्लाह खैर। शाबाश भाई शाबाश 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 शाबाश, बाइक मेरी की भाई साहब हिम्मत है। आज के दिन में इसने तकरीबन कोई 360 किलोमीटर जो है वो सफ़र किया है। अभी भाई साहब मुझे यहाँ से तकरीबन कोई 52 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा, मैं कुछ रास्ते जो है भाई सब शॉर्ट हो जाऊँगा। मुझे भाई साहब सफ़र जो है ना बहुत ज़्यादा पड़ गया, अब तक मैं मुल्तान में बैठा होता है, लेकिन क्या है कि भाई साहब माँ बाप जो है ना माँ बाप है, माँ बाप को अफसल रखना चाहिए भाई साहब। जहाँ माँ बाप कह देना कि ये काम ऐसे है तो ठीक है जी ऐसे है, अम्मी अब जो है अम्मी की काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई है, मैं उनसे मिला हूँ। अम्मी का कुछ गले का भी मसला है, अम्मी को कुछ बुखार था, कुछ अम्मी को जो है ना मेरी मौज थी, मौज समझते हैं भाई साहब यानी कि मेरी याद आ रही थी उनको, तो अब उनसे मिल लिया है ना तो खुश हो गई है। तो भाई साहब इस वीडियो का यही एंड करता हूँ, उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ भाई साहब, हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो भाई साहब ये था गुजरात और लाहौर का टूर, तो कैसा लगा? अब अगला टूर भाई साहब कहाँ का होना चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला टूर जो है भाई साहब कामयाब रहा और हम खैर खैरियत से जो है घर पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने मेरी वीडियो वॉच की। लव यू टू ऑल।